हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे COB और डाउनलाइट के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे बहुत ऑप्शंस उसमें अवेलेबल है तो काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन सी लाइट लेनी चाहिए, COB लाइट कहाँ लगती है और डाउनलाइट क्या लगती है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपका जो ये कन्फ्यूज़न है मैं थोड़ा दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसकी शेयर करूँगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। COB स्पॉट्स एंड डाउन लाइट दोनों भी काफ़ी अच्छी फिटिंग्स है, काफ़ी अच्छी लाइट्स आती है उसमें, लेकिन दोनों का यूज़ थोड़ा अलग अलग है। मैं आपको दोनों की फिटिंग दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ COB लाइट। जो COB लाइट्स आती है वो कुछ इस तरह की होती है, आप देख सकते हो। ये COB स्पॉट लाइट्स है, आप ये देख सकते हो। इसको मूविंग का ऑप्शन दिया गया रहता है, आप इसको मूव कर सकते हो अंदर। आप देख सकते हो ये मूव हो रही है, आप कोई भी एंगल पे इसको रख सकते हो, मूवमेंट इसमें दिया गया है। इसके बैक साइड में आप देख सकते हो और इतना डीप आता है। ये 3 वॉट का COB स्पॉट है। COB स्पॉट में काफ़ी रेंज है, 1 वॉट से लेके 50 वॉट तक की आपको COB मिल जाएगी। आप ये देख सकते हो इसके साथ एक ड्राइवर अटैच है। ये 3 वॉट की COB स्पॉट है इसलिए इसमें ड्राइवर छोटा है। जैसे जैसे इसके वोल्टेज बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से इसकी साइज़ बढ़ती जाती है। आप ये देख सकते हो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है, COB स्पॉट में कभी भी आपको सेंटर में क्लियर पार्ट मिलेगा। क्लियर पार्ट इसलिए मिलता है कि COB स्पॉट में से जो लाइट आती है वो डायरेक्ट एक जगह पे गिरती है, जैसे एक थ्रो देती है एक, इसलिए उसे स्पॉटलाइट बोला जाता है। अगर आपने अपने सीलिंग में लगाई है और नीचे कुछ भी रखा गया है तो वो प्रॉपरली उस चीज़ को हाईलाइट करेगी। तो उस तरह से इसका वर्क होता है। आपने ये देख लिया, ये COB लाइट्स है। अभी मैं इसको आपको डाउन लाइट भी बता देता हूँ। आप ये देख सकते हो, ये है डाउन लाइट। डाउन लाइट के बैक साइड में आप देख सकते हो इसमें भी डेप्थ अप्रोक्सीमेट 2 से 2.5 इंच की आपको मिल जाएगी। और ये इसकी बॉडी, अगर आप जैसे वोल्टेज ज़्यादा लोगे, अभी जैसे मैं आपको 5 वॉट की दिखा रहा हूँ, इसमें आप जैसे वोल्टेज ज़्यादा लोगे ऐसे इसकी बॉडी की साइज़ काफ़ी बढ़ती जाएगी। COB स्पॉट में उतनी साइज़ नहीं बढ़ेगी जितनी डाउन लाइट में बढ़ेगी। डाउन लाइट्स की फिटिंग्स थोड़ी हैवी भी हो जाएगी। COB स्पॉट की फिटिंग अगर आप 16 वॉट से ऊपर ले रहे हो, जैसे 25 वॉट हो गया, 30 वॉट हो गया, 40-50, तो उसमें भी बैक साइड का जो पोर्शन हो जाएगा फिर आपको हैवी आएगी। उसमें हाउसिंग काफ़ी हैवी आती है, जो बैक साइड का पोर्शन होता है वो काफ़ी हैवी हो जाता है और ड्राइवर भी उसमें काफ़ी बड़ा आता है। तो ज़्यादा वोल्टेज अगर आप लेने जाओगे तो वो भी आपको हैवी हो जाएगी। जनरली वो हैवी फिटिंग्स बड़े बड़े शोरूम्स, बड़े बड़े ऑफिसेज़ में लगती है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ जो है वहाँ पे लगती है। घर वगैरह में जनरली इतनी बड़ी फिटिंग्स यूज़ नहीं होते। हाँ, बंगलोज वगैरह में होते हैं, अगर बहुत बड़ी यूज साइज़ है तो बंगलो वगैरह में वैसी चीज़ें यूज़ होती है। बाकी अगर आप नॉर्मल घर में, अगर आप फ्लैट में यूज़ कर रहे हो तो इस तरह के स्पॉटलाइट जनरली होते हैं। मैक्स टू मैक्स 16 वॉट के हाईएस्ट स्पॉटलाइट लगते हैं, उससे ज़्यादा वोल्टेज के यूज़ बहुत कम होते हैं, रेयरली, कहीं कहीं पे होते हैं बट यूज़ काफ़ी कम होते हैं। और ये आप देख सकते हो डाउन लाइट में, जैसे मैंने आपको बताया इसमें जो सेंटर पोर्शन होता है ये फ्रॉस्टेड होता है, तो इसमें से जो लाइट थ्रो होती है वो लाइट का थ्रो पूरा स्प्रेड होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हो क्लियर एक्रेलिक दिया है सेंटर में, इसका स्पॉट स्ट्रेट आपको नीचे गिरेगा, इसकी लाइट स्ट्रेट नीचे आएगी और इसके अंदर आपको लाइट का थ्रो पूरा एक तरफ से फैलेगा। लेकिन इसमें भी इतना है कि COB के कंपैरिजन में इसकी लाइट थोड़ी ज़्यादा थ्रो होगी। दोनों में बल्ब सेंटर में दिए जाते हैं, आप देख सकते हो। आप यहाँ से अंदर देखोगे तो आपको बल्ब दिखेगा, प्रॉपर सेंटर में बल्ब दिया गया है तो लाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा आता है। आपको डाउन लाइट में भी वही ऑप्शन मिलता है, इसके बल्ब काफ़ी सेंटर में लगे रहते हैं इसलिए इसमें डेप्थ ज़्यादा रहती है तो लाइट का थ्रो ज़्यादा आता है। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी दिखाया है कि पैनल लाइट में साइड में स्ट्रिप लगी रहती है तो उसमें लाइट का थ्रो थोड़ा कम हो जाता है और डाउन लाइट में आपको थ्रो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ये अभी आपको लगती कहाँ है वो मैं दिखा दूँ। स्पॉटलाइट का यूज़ कुछ भी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए होता है। जैसे हमने अगर TV यूनिट बनाया है तो TV यूनिट के आजू बाजू अगर कोई चीज़ें रखी तो उसको हाईलाइट करने के लिए होता है। TV यूनिट के पीछे अगर आपने कुछ स्ट्रक्चर किया है तो वो वॉल को हाईलाइट करना है तो वो वॉल को ऊपर आप लगा के इसको एंगल्स दे के, जैसे कि इसमें जो मूवमेंट का ऑप्शन है इसको क्रॉस करके आप लगा सकते हो तो इसकी लाइट आपको वो वॉल के ऊपर जाएगी। जैसे आपकी यहाँ पे वॉल है, आपने लगा दी तो लाइट की थ्रू पूरी वो वॉल पे जाएगी।
तो इस तरह से सी ओ बी स्पॉट का यूज़ होता है। और डाउन लाइट का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर पैनल लाइट लगाने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे लाइट ज़्यादा चाहिए, तो पैनल लाइट से भी अगर लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है जो घरों में, तो वहाँ पर डाउन लाइट जैसे यूज़ की जाती है। तो अभी पहले डाउन लाइट्स में छोटी फिटिंग्स आती नहीं थी, बट काफ़ी ब्रांड और नॉन ब्रांड कंपनी ने अभी छोटी फिटिंग्स भी आना चालू हो गए, तो डाउन लाइट्स में आपको छोटी लाइट भी मिल जाती है। पैनल लाइट से इसमें थोड़ी लाइट ज़्यादा रहती है जो स्प्रेड होती है, और अगर आपको पर्टिकुलर स्पॉट चाहिए तो आप सी ओ बी लाइट ले सकते हो। तो ये दोनों में इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग है। अगर आपको थ्रो लाइट चाहिए, टोटल स्पॉट लाइट चाहिए, तो आप ये लाइट लगा सकते हो। जैसे होटल, रेस्टोरेंट, बार वगैरह में स्पॉट लाइट का ज़्यादा यूज़ होता है, ऑफिसेज वगैरह हो गए, मॉल्स वगैरह हो गए, वहाँ पर आपको ये तरह के डाउन लाइट का यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पर हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर भी हाइट ज़्यादा होती है वहाँ पर डाउन लाइट यूज़ की जाती है, पैनल लाइट वहाँ पे यूज़ नहीं होती है। ये पैनल लाइट का जो लाइट का थ्रो है आपको मैक्स टू मैक्स 10 टू 12 फीट तक देगा। अगर आपकी 10 टू 12 फीट से हाइट ज़्यादा है तो आप डाउन लाइट लगाओ तो बेटर है। डाउन लाइट आपकी नियर अबाउट 14-15 फीट तक लाइट कवर करती है, जो इसका थ्रो है। सेंटर में बल्ब होने की वजह से इसमें जो थ्रो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और पैनल लाइट में आपको थोड़ा कम मिलेगा। और स्पॉट लाइट में एक मूड लाइट जैसा इफेक्ट देता है, इसलिए मूड लाइट इसे होटल, रेस्टोरेंट, बार जगह पे ज़्यादा आपको ये देखने मिलेगी। तो ये था डिफरेंस, जैसे आपको मैंने आपकी स्क्रीन पे भी दिखा दिए इसके स्पॉट और इसके, तो यही इन दोनों में डिफरेंस था। प्राइस वाइज भी इसमें डिफरेंस है। अगर आप 3 वॉट की सी ओ बी स्पॉट लेने जाओगे तो 200 रुपीज़ की मिलेगी, वहाँ पे अगर आप 3 वॉट की डाउन लाइट लेने जाओगे तो वो आपको 200 से 250 के आसपास मिलेगी अलग अलग ब्रांड में। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप छोटी साइज़ लेने जा रहे हो, जैसे जैसे बड़ी साइज़ लेने जाओगे तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो ये आज का जो डिफरेंस था मैंने आपके सामने क्लियर किया। तो आप अपने हिसाब से, अपनी घर की हाइट के हिसाब से, अपने पर्पज़ के हिसाब से आप दोनों में से कोई भी लाइट चूज़ कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।